की सरकार चल रही है, एक के बाद एक प्रत्येक प्रदेश में आर्थिक संकट, आर्थिक इमरजेंसी के तरफ दहलीज पर हिमाचल और एक नई चीज और निकल के आ रही है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट सारा का सारा खजाना निकल मिल पाएगा। पीजीआई में अभी नई चीज निकल के आई है कि पीजीआई में भी हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से मित्रों की सरकार चल रही है, एक के बाद एक परतें खुल रही हैं, आखिर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट, आर्थिक इमरजेंसी के दहलीज पर हिमाचल प्रदेश क्यों पहुंचा? कई मुद्दे हैं, कई इश्यूज निकल के आए हैं और एक नई चीज और निकल के आई है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट खड़ा क्यों हुआ? सारा का सारा खजाना मित्रों पर लुटाया जा रहा है। पीजीआई में अभी नई चीज निकल के आई है कि पीजीआई में भी अपने करीबी लोगों को हिमाचल प्रदेश के खजाने से सैलरी दी जा रही है और नियुक्ति उनकी पीजीआई में करी हुई है। पीजीआई में जाते नहीं है, पेशेंट को चेक करना कोऑर्डिनेशन का काम है, हिमाचल प्रदेश में शिमला में रहते हैं और तनख्वाह हिमाचल के शिमला के खजाने से सरकार से निकलती है। कितने लोग ऐसे लगाए गए हैं जिनको प्रदेश के खजाने से जो पैसा दिया जा रहा है, लाखों रुपया दिया जा रहा है, पीजीआई में एक बार भी नहीं जाते हैं। और इस तरीके से कितने लोग हैं जो प्रदेश के पीजीआई में जो है नियुक्त कर दिए गए हैं। उसी तरीके से आप देखिए कि 35 लोग एडवोकेट जनरल के ऑफिस में डिप्टी एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल ज्यादा नियुक्त कर दिए पिछली सरकार से। वाटर एसेस कमीशन जो है, जो कि इसको संवैधानिक करार दे दिया है, वो चला हुआ है, करोड़ों रुपया महीने का जा रहा है। इसी तरीके से जो है 2 दर्जन ओएसडी एडवाइजरों की फौज खड़ी कर दी है और जिन लोगों को वाइस चेयरमैन लगाया गया था, साल के अंदर अंदर जो है उनको कैबिनेट रैंक दे दिया जाए, जबकि 30,000 रुपया ऑनरेनियम वाइस चेयरमैन को मिलता था ताकि उनको 2.5 लाख रुपए सैलरी मिले। इस तरीके से पूरा का पूरा खजाना जो है खाली कर दिया। आज समय यह आ गया कि इतिहास में पहली दफा हुआ कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर ना तो सैलरी मिल रही है, ना पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही है। और इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने गलत नीतियों के कारण प्रदेश के खजाने को, हिमाचल प्रदेश की जनता ने तो उनको जनादेश दिया था कि आप प्रदेश के खजाने को सुरक्षित रखेंगे, प्रदेश में विकास करेंगे। प्रदेश का विकास तो पूरी तरह जंग लग गया, नामोनिशान मिट गया प्रदेश में डेवलपमेंट का, परंतु प्रदेश के कर्मचारियों को उनको ना तो उनके लाभ मिल रहे हैं, ना उनको उनका एरियर मिल रहा है, ना उनके डीए मिल रहा है उनको, और ना ही उनको अब सैलरी मिल रही है। इसलिए आर्थिक संकट, आर्थिक इमरजेंसी हिमाचल प्रदेश में खड़ी हो गई है और ये सरकार जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में अपने वजन से गिरने वाली है। परंतु नया कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार आएगी, उनके लिए भी सरकार को चलाना कितना आसान ही होगा। इतना बिड़ा गर्क इस प्रदेश का जो है इस सरकार ने और मुख्यमंत्री ने किया है।